श्यामदीत कहते हैं और ये है मेरा गुड मॉर्निंग विद सविका किचन सेगमेंट और मेरे साथ है शेफ तैयबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या बात है, आज तो भाई दो दो डिशेस का मजा लेंगे और मखनी मखनी कुछ है आप बताएंगे क्या है जी, बताइए क्या बन रहा है हमारे किचन में। आज मैं बना रही हूँ मखनी कबाब जो कि चिकन में बनाने लगी हूँ, बहुत मजेदार से बनेंगे। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर साथ साथ गपशप भी चलती रहेगी। ठीक है जी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? ऑयल चाहिएगा हस्बे जरूरत, ब्राउन प्याज इसमें लिए मैंने दो दरमियान साइज, ब्राउन प्याज उन्होंने पहले से कर लिए, गुड। और इसमें क्रीम ली है मैंने फुल क्रीम है, ओके। लहसुन अदरक है इसमें दो टेबल स्पून, लहसुन अदरक का ये पेस्ट। हम लोग आगे चले जाएंगे, चले पीछे। ओके नेक्स्ट, और चिकन है इसमें बोनलेस जूलियन कट किया हुआ है इसे मैंने, और इसके अलावा दही है एक कप मैंने दही ली है, ये दही एक कप, ओके डन। और टमाटर पेस्ट है, ये प्यूरी नहीं है पेस्ट है ये, अच्छा ये पेस्ट बनाया हुआ है, पेस्ट बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास चार टेबल स्पून हम डालेंगे, और जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे उसमें हल्दी हाफ टी स्पून, स्पाइस जो इसमें मसाले डालेंगे वो कौन कौन से? उसमें हल्दी है हाफ टी स्पून, गरम मसाला है हाफ टी स्पून, ये पेपरिका पाउडर है, रेड चिली नहीं है, चिली फ्लेक्स हम अलग से, पेपरिका पाउडर जी, ये पेपरिका पाउडर है हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर लिया है ये भी हाफ टी स्पून है, कुटी हुई लाल मिर्च है ये एक टीस्पून है, नमक भी एक टीस्पून है, काली मिर्च है हाफ टी स्पून है, और ये मेन इन्ग्रीडियंट्स है इसकी कबाब चीनी, ये मैं पीस के लाई हूँ, और ये देख सकते हैं आप इसकी ये इस शक्ल में, ये तो काली मिर्च की तरह नहीं, ये काली मिर्च की तरह लगता है लेकिन ये आप किसी भी स्टोर से नहीं। पहली शेफ इतने टाइम से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, किसी ने भी ये कबाब चीनी जी, ये कबाब चीनी पसंदे हो गए, कबाब फ्राई हो गए, मखनी ये उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसकी एक खास खुशबू है जो इस डिश में आ जाती है। पहली बार है, इसका टेस्ट कैसे काली मिर्च की तरह? नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि जायफल जावित्री हम यूज करते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग से फ्लेवर होता है। चलिए वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अच्छा सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे दही सबसे पहले, ये लीजिए स्पून ले लीजिए, और हमने आपको प्रॉपर तरीके से शेफ तैयब ने पूरे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर आपको ब्रीफ कर दिए। चार टेबल स्पून भर के मैंने इसमें दही डाली है, बाकी कुछ और दिए अभी देखती हूँ फिर नहीं यूज होगा कि नहीं, शायद हो जाए। चार टेबल स्पून ही भर के मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर प्यूरी, यस ये हो गया। इसके बाद इसमें ये जो हमने ब्राउन प्याज ली हुई थी ये दो दरमियाने साइज की है, ठीक है ये सारी हम इसमें डाल देंगे। वाओ ये डिफरेंट कबाब में देख रही हूँ, देखते हैं इसका क्या। और क्रीम है ये मेरे पास चार टेबल स्पून है, तो अभी फिलहाल मैं इसमें दो डाल रही हूँ, और दो मैं बिल्कुल लास्ट में जब सर्विंग करूंगी उस वक्त। ओके जी, ऑयल हम इनमें डालेंगे, लहसुन अदरक है ये मेरे पास दो टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये भी ऐड कर लिया हमने टच करके, और ये सारे स्पाइसेस जो भी आपको दिखाया था ओके वन बाय वन, ओके सब ऐड कर लिया, गुड हो गया जी, दैट्स गुड। ठीक है इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ये गार्निशिंग के लिए, ये लास्ट में हम लोग इसको लास्ट में इसको कवर कर रहे हैं ना जगह को भी। हाँ खुशबू, अब मुझे छीके ना लग जाए मसाले की जो खुशबू आपने एक साथ यूँ डाला है ना इसके अंदर, तो वो ही कर रहा है। अब ये देखें ये जूलियन कट में ये थोड़े से डिफरेंट है, वरना कबाब का सुन के जहन में यही आता है, पीस लग रहे कबाब है नहीं चिकन है। आप इसे बीफ में भी बना सकती हैं, अंडरकट का गोश्त लेके, बीफ को इतनी देर गलने में इस नहीं, अंडरकट अगर आप लेंगे तो जल्दी गल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये भी ऑयल में, तो ऑयल को पहले गर्म हीट अप कर लेते हैं जी, हम ऑयल को कर लेते हैं ताकि ये जितनी देर ये अच्छा तरह तो अच्छा, अगर इसको पहले से हम लोग जी हम इसे पहले से रख सकते हैं, अगर आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जाहिर है हमारे पास टाइम मक्खन रह गया ना इसमें वो दूर था, ओके इसमें पीछे कर देती हूँ दूर से भी वजह से, ये मक्खन इसमें जाएगा एक टेबल स्पून भर के मैंने, ठीक है जी ओके। बटर भी आपने ऐड कर दिया, बटर भी इसमें लो मैं जब तक मिक्स करती हूँ आप नेक्स्ट वो करें। अच्छा जी नाज़िम बड़ी प्यारा सा अरोमा आ रहा है, और आप इसके अंदर तमाम वैसे काफ़ी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं लाइक बलाई क्रीम एंड बटर मक्खन वगैरह भी, न्यूट्रिशन वैल्यूज बड़ी ज़बरदस्त है, और सभी दही भी बहुत अच्छा है, हमारी कैल्शियम प्रोवाइड करता है इसको, और खुशबू भी बड़ी यमी सी, और स्पाइस बड़े अच्छे डाले इन्होंने जो हमारे जी हमारे देखिए गीले में मत डाल दीजिएगा गुड़िया, जरा उसको ड्राई होने दे। तो अच्छा बताएं आपका फेसबुक आईडी आपके कब से कहाँ कर रहे हो आप कुकिंग वगैरह का? कुकिंग तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, लेकिन अभी दो साल हो गए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है। किस नाम से? कुकिंग चैंपियन एंड व्लॉग, व्लॉगिंग भी करती हूँ। Really? कुकिंग चैंपियन पे जाएं, इनकी डिशेस
आपको जो भी आप अच्छा लोगों को इट्स मीन कि सिर्फ वीडियो बनाते हो या लोगों के ऑर्डर्स ऑर्डर्स भी लेती हूँ. मैंने फूड पांडा पे भी काम किया है कुछ अर्सा. तो मैं भाग जाऊंगी. नहीं 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 पता नहीं नहीं रुक जाओ वो टिश्यू पेपर ले लो. मैं इतनी यहाँ पे क्योंकि लाइव शो है ये ना तो मैं बोलूँगा अच्छा जी फिर तैयबा आप जाने तो चूल्हा जाने हम भाग रहे हैं यहाँ से. ये सब डाल दो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. ये तकरीबन 2-3 टेबल स्पून में इसमें डन हो गया. यस 2-3 टीस्पून इन्होंने ऑयल क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रीम भी है मक्खन भी है तो ऑयल हमें ज्यादा नहीं चाहिए. अच्छा हम इसको अब ये लीजिए आप अपने अपने हाथों से डाल दीजिए. अच्छा ये सभी डाल देना जी. अच्छा इसको लाइट ज़रा हल्की करेंगे या नहीं जरूरत नहीं. इन्होंने तमाम मटेरियल को जो है पतीली में कन्वर्ट कर दिया. जबरदस्त हो गया जी. अच्छा जी हमने जो है इसको थोड़ा सा इसमें जो लगा है वो भी डाल दूंगी. ठीक है जी कोई चीज़ हमने छोड़नी नहीं है. नो ज़ाया करनी है ना ज़ाया करनी है. ठीक है जी. वाह ज़बरदस्त. अब हम इसे दम पे रख देंगे 5-10 मिनट. इतनी देर से इसको कर ले फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लेते. अच्छा साथ साथ नाजिम मैं बताती चलूँ इसको हम लोगों ने नेक्स्ट हम लोगों ने इन्ग्रीडियंट्स कभी एक और डिश भी है इसको थोड़ा सा फ्लेम जितनी देर ये बनती है हम थोड़ा सा एक और इंग्रेडिएंट्स की फिर डिस्प्ले कर दें चीज़. जी अच्छा जी हम लोग चलते हैं इमरान साहब के पास. इमरान साहब से ज़रा पूछते हैं कि जो वो शुगर पेशेंट है उनके लिए जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें जैसे बटर बलाई पराठे घर के अंदर बाहर की बात नहीं वो कितनी क्वांटिटी में उनको भी न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत होती है लेकिन हम लोग अक्सर उनको अवॉइड कर देते हैं तो हम क्या सही करते हैं कि गलत. जी इमरान साहब क्या कहते हैं आप. जी बिल्कुल देखें इसमें जो आपके हाई कैलोरीज होते हैं ठीक है तो उसको आप जो है ना मतलब कैलोरीज को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करें. अपनी ग़िज़ा जो है ना भूख से कम खाएँ यानी जो कुछ भी खाएं आप भूख से कम खाएं सुन्नत तरीके से खाएं. ये नहीं कि आप इतना इतना भर देते अपने आप को पेट पूरा भर के और थक के उठते हैं यानी कि एक इंसान जो है ना वो खा के नहीं उठता थक के उठता है. तो इस चीज़ से आप थोड़ा एहतियात करें और ज़्यादा चिकनाहट और इन चीज़ों से आप परहेज़ करें. मुतवातर यानी बैलेंस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसमें ये है कि आपकी शुगर जो है ना वो बैलेंस रहती है. जैसे इमरान साहब ने कहा कि शुगर बैलेंस रहेगी. अच्छा एक और बात भी है ना इमरान साहब मुझे इस तरह से इतना ये बताएं कि जो खास कच्ची सब्जियां हैं हर पर्सन के लिए बहुत उसके बेनिफिट्स होते हैं. शुगर वालों के लिए कच्ची सब्जियों में फाइबर या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको जूसेस वगैरह से बहुत मना किया जाता है और उनका दिल भी करता है कि गर्मियाँ कभी होता है सीजन में कि ड्रिंक्स वगैरह में कोई मिल्क शेक बना लिया तो वो क्या उनको देना चाहिए जैसे बनाना है मैंगो है ऐसा कभी लेना चाहिए कि नहीं. देखिए बिल्कुल जो है ना आप ये नहीं कि फ्रूट बिल्कुल आप बंद कर दें. आप फ्रूट जो है ना उसको लिमिटेड ले सकते हैं ठीक है. आप एक छोटा केला ले सकते हैं बनाना एक छोटा ले बड़ा साइज़ का हो तो आधा ले सकते हैं आप ठीक है. या फिर जो है आप मैंगो के जो है ना एक छोटा स्लाइस ले सकते हैं ठीक है. और इसका देखो मैंगो जिस सीज़न में आते हैं ना तो उस सीज़न में जामुन भी आते हैं ठीक है. तो आप जो है ना ऐसे में आप मैंगो लेने से पहले जो है ना तकरीबन 12 दाने जो है ना आप जामुन के ले लिया करें ठीक है. उसके बाद अपना मैंगो खा लें फिर उसके बाद दोबारा से जामुन खा लिया करें तो वो एक तरफ से जो है ना आपकी शुगर कंट्रोल कर रहा होता है. जामुन और मैंगो जो है उसका जो शुगर वगैरह जो बनी होती है वो ये कवर कर लेता है. जो जामुन है ना ये इसको कवर कर लेता है. अच्छा जी हम लोग नेक्स्ट डिश की जानिब जा रहे हैं. बताइएगा जरा सा आज ये कौन सी अभी मेरी प्यारी बहन जस आ जाइए जी. अभी नेक्स्ट कौन सी डिश है. अब ये एग फ्राइड राइस बनाने लगे हैं. ठीक है जी हमारे पास क्या है एग फ्राइड राइस बनाने लगे हैं. चलिए जी अब बताइए इसमें क्या क्या और मजीद देख लो पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं कुछ चीज़ कम तो नहीं है. गुड हो गया बता दो मुझे एक बार. यस क्या क्या साफ कर लूँ. नहीं इट्स ओके आप बताओ क्या इसमें मजीद क्या होगा. एग फ्राइड राइस है पहले एग मौजूद है यहाँ पर. एग देख लो एग इधर लेकर आ जाओ. तो एग का नाम है एग नहीं मौजूद ना. That's good. अच्छा जी अब इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए क्या क्या डाल रहे हैं. इसके अंदर कुछ वेजेस लिए हैं मैंने गाजर हाय 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 हरी प्याज बंद गोभी आपने
कटिंग कितनी, मतलब इसकी चॉपिंग कितनी प्यारी जबरदस्त, और शिमला मिर्च है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है। अभी मैं कम सर्विंग बना रही हूँ तो मैंने ये तकरीबन 2 टेबल स्पून थोड़ा सा गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है, नमक, काली मिर्च है, सोया सॉस है और चिली सॉस है, गुड हो जी, ओके जी, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा उसको मजीद लाइट हल्की करनी है तो देख लो अगर पानी उसको ये ना वो। अच्छा देखिए एट अ टाइम दो डिशेस जो है वो हम इसको एक बार देख लो स्पून करके के आया कि वो कहीं नीचे वीचे ना लग जाए, और इसको यस क्योंकि दही पानी खुद छोड़ता है उसी, और चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो बन रहा है ज़बरदस्त। अच्छी जी स्टीम पर बन रहा है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिश की जाने, ये डिश का नाम एक बार फिर रिपीटेशन कर दें और इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए मुझे इसको इस साइड पर, यस बताओ। कुछ वेजिटेबल लिए मैंने, डिश का नाम क्या, एग फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जी शेफ तैयबा बताइए। इसमें हरी प्याज लिए मैंने 2 टेबल स्पून, मैंने बारीक चॉप कर लिए, बंद गोभी भी मैंने इसी तरह बारीक काट लिया, शिमला मिर्च भी मैंने बारीक चॉप कर लिए और गाजर भी बारीक चॉप कर लिए, 2 अंडे लिए हैं मैंने, लहसुन मैंने थोड़ा सा 2 जवे हैं उसको बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है, नमक है और काली मिर्च है ये 1/4 टीस्पून, इसके अलावा चिली सॉस है और सोया सॉस है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, सबसे पहले गार्लिक डालेंगे और राइस पहले से इन्होंने बॉइल किए हैं, चलिए जी बिस्मिल्लाह करो, ये दो मुझे लग रहा है झटपट बनेगी इंशाल्लाह, चलिए जी बिस्मिल्लाह रहमान, हमने ऐड किया सबसे पहले ऑयल और नेक्स्ट हमारे पास है यस लहसुन, ओके लहसुन इन्होंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, ओके जी स्पून दीजिए, अच्छा जी आपको स्पून चाहिए, यस ये लीजिए, थोड़ा फ्लेम फास्ट करनी है, ये इतने बहुत नहीं अभी इतना ठीक है, ठीक है ठीक है, जैसे इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा हम अपनी वेजिटेबल डालेंगे, ओके इन्होंने कहा जैसे ही इसको हल्का सा हो जाएगा ब्राउन का कलर आ जाए और बेहतरीन। अच्छा इन्होंने पहले से ही बड़ा ज़बरदस्त जो है कटिंग की हुई है तो ईजिएस्ट हो गया, आप लोग भी इसी तरह जब बनाने लगे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी डिशेस को, यस हम ऐड कर लेंगे, यस हो गया जी, झटपट बन रही है मैंने अंदाजा कर लिया जी, माशाल्लाह बहुत क्विक बन जाएगी, यस अब फ्लेम हम टेस्ट करेंगे, ओके और ये नमक क्योंकि मैंने अपनी रेसिपी के मुताबिक लिया है, आप भी अपने फ्लेवर के मुताबिक, जो हमें पता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है डिश कितनी है, सोया सॉस है ये मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, इसी तरह चिली सॉस है ये भी मैं 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, ठीक है जी बेहतरीन, हम लोग एक साथ 2 डिशेज जो है प्रेजेंट कर देंगे इंशाल्लाह, और साथ में साइड डिश भी कर रहे हैं हम मैश पोटैटो और एक लहसुन का रायता है जो शायद आपने ना खाया भी है कुछ, आपने कभी फ्राइड गार्लिक का रायता खाया है, नहीं ये मैंने शेफ असद के रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिया, हाँ शेफ असद के रेस्टोरेंट का वहाँ मैंने खाया था, हाँ, तो मुझे बहुत पसंद आया था, असद आपको बड़े सीनियर शेफ है जी, उनका रेस्टोरेंट है गुलशन में अदमंटर का, वहाँ मैंने खाया था तो वो मुझे बहुत पसंद आया, नहीं वो खुद बहुत नाइस पेटर है हमारे बड़े सीनियर, मैंने उनके साथ भी क्लास ली हुई है, अच्छा जी वो वाकई में कुकिंग क्लासेस बड़ी अच्छी थी, कभी उनको गेस्ट बुलवाएंगे इंशाल्लाह, अक्सर मुलाकात होती है इवेंट्स वगैरह में, तो ये स्पून से निकाल लो, इजिएस्ट है स्पून से निकाल लो, इससे निकाल लो, हाँ इजिएस्ट है, यस ये इन्होंने, अच्छा ये एग कब यूज होता है, एग मैं लास्ट में डालूंगी, कुछ लोग पहले डाल देते हैं लेकिन वो उसमें ना फिर चावलों में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है एग की, तो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे तो उससे बड़ा कलर भी अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत मजे का आएगा, अच्छा तो हम अलग से इसको फ्राई करके बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ओके डन हो गया जी, ये इनकी वेज जो है इसको हमें ज्यादा नहीं गलाना, इसको हमें क्रंची ही रखना है, मैं समझ गई, तो बस डाल दें फिर इसको, बिस्मिल्लाह डाल दें इसको, बिस्मिल्लाह करके ये देखें, ये हमें बिस्मिल्लाह आराम से आराम, असल में बॉईल करके रख दिए थे मैंने, ये देखिए हल्की आंच पर, नहीं आंच हल्की नहीं करनी ना, ठीक है दैट्स गुड, मेरी बहन बड़ी एक्सपर्ट है और साथ साथ, अच्छा इमरान साहब हम लोग अपने घर में अभी बार बार आप कहते हैं शुगर पेशेंट को जो है वो राइस ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो कब कब खाने चाहिए उनको, देखें उनको वीक में एक दिन ऐसा रख लें इंजॉय का दिन, उसे कहते हैं कि शुगर वालों के लिए इंजॉय का दिन हो, तो उसमें जो है राइस और जैसे गंदम, गंदम में जो है आप थोड़ा मकई डाल के, मकई का आटा डाल दें या बेसन का आटा डाल दें, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस करके खा सकते हैं, और राइस जो है ना वो आप जो है ना एक वीक में कोई ऐसा एक दिन रख लें जिसमें जो है ना एक कप के बराबर जो है ना आप राइस खा सकते हैं, ठीक है, ओके
हम लोगों के लिए ये मसला है कि हम लोग तो हर चीज़ खा लेते हैं इजीएस्ट, लेकिन शुगर वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, उसको दो मिनट कवर करेंगे और जो चीज़ हो गई उसको ज़रा सा आ जाए हम उसको नाजिम किस तरफ। कितना रह गया जी ये बताइए, साथ साथ देखो मैं कभी चीज़ें भी इधर उधर हो रही। हाँ हाँ, क्या पता, लाइव शो है और शेफ तैयबा हमारे साथ मौजूद है दोनों। इन्होंने अच्छा रायते की तरफ आ जाए जी, रायते की तरफ जितनी ये रह जाए और वो रह जाए, फिर एक तो एंड में डलेगा ना वैसे जी, इससे कर देते। अच्छा जी, ये कौन सा रायता है? रायता ये लहसुनी रायता है, इसमें ब्राउन करके मैंने गार्लिक को रख लिया था पहले से। ओके, पहले से अपने ब्राउन जी। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं और जीरा पाउडर। ओके ठीक है। और दही, सिंपल मैंने दही ले लिया है, बस इसको अच्छी तरह फेंट लें। ठीक है, दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया और उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स। वाह, पहली बार देखते हैं अभी इसका क्या रिजल्ट आता है। यस, लो मुझे दे दो नेक्स्ट और क्या कुछ चीज़ें तो वो कर लो ताकि ये ना रह जाए। अच्छा, पहली बार मैं ना ऐसा रायता है, लहसुन गार्लिक लोग पीस के डालते हैं, उन्होंने ब्राउन करके ऐड किया। वाओ, जबरदस्त। अच्छा जी नाजी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, यू हैव एनी प्रेजेंट योर डिश। यस जी नाजी, ये देखिए ये हो गया रायता। दैट्स गुड, हम ऐसे सब चीज़ों को रेडी करें। इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं ना इसको। अच्छा, इसको गार्निशिंग भी करना। माय गॉड, अच्छा जी ओके, मुझे आदत है बड़ी अच्छे से वो करने की, प्रेजेंटेशन करने की। दैट्स गुड, वाओ जबरदस्त। नहीं नहीं अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, अच्छा जी हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम अपने राइस में राइस हम निकाल लेते हैं, मैं कि वो टाइम कम है चंदा, वैसे जल्दी कर लो। ठीक है, पहले हम एग फ्राई कर लें, इसको मैं साइड में रखती हूँ। ओके, ठीक है, डलेगा इसमें। अच्छा, इसको ये इसकी प्लेट के नीचे रख दो, इन वैसे यहाँ रख दें हमारे। हाँ यस गुड। अच्छा जी, हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है क्या? जी थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालें। ओके, और ये फेंट दिए इन्होंने एग्स। अच्छा, उन्होंने कहा कि अलग से किए जाते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। गुड, यस। अच्छा, ये अगर चिकन हो गई तो हम इसको निकाल सकते हैं जब तक ये हो रहा है? थोड़ा सा टाइम। ओके, डिस्प्ले लाइट निकाल दें, बाकी छोड़ दें, अगर थोड़ा हम लोग की टाइम कम है तो बेचारे ये हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा ये वाली प्लेट पे निकाल लें ना जी, उसी में हम करेंगे। तो आप इसको निकाल लें थोड़ा सा, थोड़ा होने दीजिए। ओके ठीक है, हम जब तक ऐड कर लेते हैं, दैट्स गुड। अच्छा जी, शेफ तैयबा और इनका जो है फेसबुक आईडी है जी, कुकिंग चैंपियन के नाम से ही है। कुकिंग चैंपियन की वजह से बड़ी चैंपियन है माशाल्लाह। ये कब से शौक आपको हुआ है माशाल्लाह से, ये बताएं पहले तो। मैं बचपन से कर रही हूँ कुकिंग, क्योंकि नहीं, 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 मतलब ये कितने अभी कितने साल अभी हो? तो मैं ये प्रोफेशनली जो दो साल से। तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, लोग लाइक करते हैं जी, अल्लाह का शुक्र, पसंद करते हैं आपके फूड्स को। आज हम पहली बार आपकी जो है टेस्ट करेंगे, देखिए अब कैसा है इंशाल्लाह। वैसे पसंदीदा आपकी अपनी कुछ डिश कौन सी है? बिरयानी, चिकन कबाब। रियली? जिंगर, बच्चे तो जिंगर हो गए, चिकन शॉर्ट्स हो गए। ये ऑर्डर ज्यादा किसके ज्यादा लोग पसंद करते हैं? अल्फ्रेडो पास्ता के, जब मैं नाम के सर जी अल्फ्रेडो पास्ता के बहुत मेरे पास ऑर्डर आते थे, जिंगर और अल्फ्रेडो के। जिंगर हमें यहाँ पर फिर लाइव बन सकता है हम लोग इंशाल्लाह। चलिए चाहिए, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे इनकी जो जो लोग पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि वही डिश हम यहाँ पर प्रेजेंट करें। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर भी, और आप बच्चों भी ट्राई कीजिएगा। चलें जी, देखें जी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पहले एग्स को फैलाया और उसके बाद स्क्रैम्बल कर दिया। यस, अब उसको क्योंकि उसमें डलेगा तो इसलिए। यस, बड़े झटपट इन्होंने अंदाज में तीन चार, कहते हैं लेडीज कुछ कर नहीं सकते, देखें जी इन्होंने हर काम बड़ा VIP अंदाज में और बड़ा खूबसूरत किया। यस, अब इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छा, लाइट चंदा बंद कर दो। वाह, यमी, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड।
पता नहीं, बस बस थोड़ा सा बताना है, ठीक है। अच्छा कुछ इसका कुछ है भाई, प्रेजेंटेशन है भाई, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ सोच के इन्होंने करना है और ये इसको प्रेजेंट बड़ी हर चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी। एक मिनट लाओ, शेफ तैयबा हमारे साथ हैं और डिश का नाम है, डिश का नाम बताती जाओ साथ साथ। एग फ्राइड राइस, एग मक्की राइस है, गुड, दैट्स गुड। अब मेहनत कर रही है तो हम उसकी चीज़ को भी ऐसे प्रेजेंट करें ताकि आप देख सकें। ओके हनी, बस टाइम ज़रा सा सब इसको बंद कर दें, ठीक है, लाइट बंद कर दें, इससे पहले कि सबको खांसी लग जाए। अच्छा, इसमें लास्ट में हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे, okay. इससे बड़ा सीमी टेक्सचर आएगा। ओके हर चीज़ इनको याद है कि कब क्या डालना है। नाजिन आप जरूर, यू मस्ट बी ट्राई एट होम, जरूर इस डिश को आप ट्राई कीजिएगा। हनी जरा सा टाइम तैयबा प्लीज आप इसको जरा सा क्लोज कीजिए। यस आप ये लीजिए, नहीं वहीं पर रखें, आप इसको उसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि है ना गर्म है ना तो वो प्लास्टिक का परफेक्ट। वाह कबाब, अब डिश का नाम क्या है दोबारा बताना। मखनी कबाब एंड एग फ्राइड राइस। मखनी कबाब, चिकन कबाब में मखनी, चिकन कबाब एंड एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस गुड हो गया। यस आ जाओ हनी, इसके ऊपर क्या गार्निशिंग करनी है, जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर। लास्ट में हम थोड़ा सा मक्खन और डालेंगे। यस 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 चले जी। ओके ये देखिए सबको खांसी लग गई है और जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये किस लिए, ये भी डालना, ये इसमें डालना था ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम डाल देते हैं जी, इसमें डालना तो परेशान क्यों हो रही हो। यस जी नाजीन, मखनी चिकन मखनी कबाब एंड फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है, सैलेड एंड लहसुन का जो है स्पेशल रायता, एंड थैंक यू सो मच, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, यानी कि छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।